नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमरावती के भाजपा नेता डॉक्टर सुनील देशमुख फिर थामेंगे कांग्रेस का दामन, 19 जून को करेंगे कांग्रेस में प्रवेश। डॉक्टर दंपति से करोड़ों की फिरौती मांगने का मामला आया सामने। आरोपी महिला ने दी बच्चों को जान से मारने की धमकी, आरोपी महिला गिरफ्तार। और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बुटीबोरी और हिंगनघाट के फ्लाईओवर का उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। अमरावती जिले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख 19 जून को फिर कांग्रेस में प्रवेश करने वाले हैं, जिसकी जानकारी डॉक्टर सुनील देशमुख ने देते हुए, मेरी विचारधारा हमेशा कांग्रेस से जुड़ी है, जिसके कारण मैं फिर से घर वापसी कर रहा हूं। जबकि फडणवीस और गडकरी द्वारा बीजेपी में काफी सम्मान मिला, ऐसा भी डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा। अमरावती जिले में राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाने वाले भाजपा नेता अब कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। गौरतलब है कि 2009 में कांग्रेस से खटपट के कारण वर्ष 2014 में डॉक्टर सुनील देशमुख ने भाजपा का दामन थाम लिया था, जबकि भारी बहुमत के आधार पर वो चुनकर भी आए थे। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में डॉक्टर सुनील देशमुख को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब वो फिर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, जिनका कांग्रेस में पक्ष प्रवेश 19 जून को मुंबई में होगा। मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर सुनील देशमुख ने भाजपा से किसी तरह की नाराजगी नहीं जताई, जबकि कांग्रेस में उन्हें प्रदेश कार्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। नाना पटोले आणि मी दोघेही 1999 नाना भाऊ पटोले आणि मी दोघेही 1999 सोबत निवडून आलो। आम्ही दोघं मित्र आहोत आणि ही गोष्ट खरी आहे की त्या दिवशी रात्री आमचे एक जे जवळचे मित्र होते त्यांच्या घरी आम्ही दोघेही जेवायला होतो, आम्ही दोघंच जेवायला होतो। त्याच्यामुळे साहजिकच राजकीय चर्चा झाली, काँग्रेसच्या पुढचे ध्येय धोरणाची चर्चा झाली, काय झाली, तेव्हा त्यांनी या गोष्टीचा सुतावच केलं की बा सगळ्यांची आमची जी इच्छा आहे की तुमच्या जुन्या पक्षामध्ये तुम्ही आले, वापस आले पाहिजे। काँग्रेस हायकमांडचीही पण ही इच्छा आहे की तुम्ही आलं पाहिजे, कारण की जो मंत्री राहिलेले असतात त्याच्या प्रवेशासाठी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षा सोनियाजी गांधी यांची कन्सेंट लागते, यांचा होकार लागतो, तो होकारसुद्धा मिळालेला होता। त्यामुळे सगळी राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता त्यांनी पुन्हा तुम्ही काँग्रेस पक्षामध्ये यावं या बाबतीत सुतावच केलं आणि त्याप्रमाणे मग आपली असं आहे, ज्या भारतीय जनता पक्षामध्ये मी होतो त्याच्याबद्दल काही वाईट बोलणं, उद्याच वाईट म्हणजे कालपर्यंत आपण ज्या पक्ष उद्यापासून त्याच्याबद्दल वाईट बोलणं, ह्याही माझी काम करायची पद्धत नाही। तिथल्या भारतीय जनता पक्षाचे जे नेते आहेत, सर्वोच्च नेते आहेत, गडकरी साहेब असो किंवा देवेंद्रजी फडणवीस, दोघांनी मला सन्मानच दिला, मानदेखाशाला आपण खोटं सांगायचं, दोघांनी सन्मान दिला। त्यामुळे तिथे निवडून आलेल्या लोकांना फाटफूट करून इकडे आणायचं ही माझी मनोभावना नाही, धारणा नाही, ते राजकारण करण्याची माझी पद्धत नाही। ज्याला जिथे राहायचं तिथे राहतील, पण मी कोणालाही तुम्ही तो पक्ष सोडून या पक्षात या किंवा मी जेव्हा काँग्रेस सोडून गेलो किंवा काँग्रेसमधून माझी जेव्हा हकालपट्टी झाली तेव्हाही अनेक लोक माझे काँग्रेसचे म्हणजे 90% नगरसेवक मला मानणारे होते आणि काँग्रेस पक्ष सोडायला तयार होते, पण मी कोणालाच काँग्रेस पक्ष सोडू दिला नाही। कारण की असं आहे की ज्यांना आता ते त्या पक्षावर निवडून आलेले आहे अशा असताना आपण त्यांना भरीस पाडून इकडे आणणे ही मला वाटतं उचित होणार नाही। त्यामुळे कोणत्याही नगरसेवकाला तुम्ही तो पक्ष सोडून माझ्यासोबत या अशी अशी माझी राजकीय करण्याची पद्धत राहणार। 19 तारखेला जे महाराष्ट्राचं हे आहे मुख्यालय आहे टिळक भवन, त्या टिळक भवनमध्ये सकाळी अकरा वाजताचा हा प्रवेशाचा कार्यक्रम राहणार आहे। त्याच्यामध्ये अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि महाराष्ट्राचे संपर्कमंत्री हे जनरल सेक्रेटरी एच के पाटील साहेब राहतील, नानाभाऊ पटोले जे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आहेत ते राहतील, बाळासाहेब थोरात महसूल मंत्री असतील, अशोकराव चव्हाण पाटबंधारे आपले PWD मंत्री असतील, बांधकाम मंत्री असतील, मला वाटते पृथ्वीराज चव्हाण साहेब जे माजी मुख्यमंत्री आहेत ते असतील, अविनाश पांडे जे काँग्रेसचे अत्यंत ज्येष्ठ नेते आहेत दिल्लीचे ते असतील, आणि अनेक पदाधिकारी राहतील मोठ्या प्रमाणात।
नागपुर में संपन्न परिवार की एक महिला ने पैसे के लालच में ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। डॉक्टर दंपत्ति को पत्र लिखकर बच्चों को मारने की धमकी दी और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। ये मामला शहर के बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सामने आया है, जिसे 5 दिनों की मेहनत के बाद पुलिस विभाग ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर के बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक महिला आरोपी ने डॉक्टर दंपत्ति के बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बदले में आरोपी महिला ने 1 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगी थी। आरोपी महिला मनीष नगर निवासी शीतल इटनकर बताई जा रही है। वह फैशन डिजाइनिंग करती थी, लेकिन कुछ समय से खाली थी। पति मनीष इटनकर BSNL में अधिकारी है। पुलिस ने पायोनियर पार्क सोमलवाड़ा निवासी डॉक्टर तुषार सदाशिव पांडे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। तुषार की पत्नी भी डॉक्टर है। दोनों मनीष नगर की जय हिंद सोसाइटी में उत्कर्ष मैटरनिटी होम चलाते हैं। 11 तारखेला आपल्याकडे तक्रार आली होती, डॉक्टर पांडे यांनी केलेली होती। त्यांना एक पत्र आलं कुरियर मार्फत आणि त्या पत्रामध्ये 1 कोटी रुपयांची मागणी केली आणि 1 कोटी रुपये दिले नाही तर मुलांना आम्ही जीवानी मारू अशी धमकी दिली होती। त्याच्यावरून आपण तपास चालू केला, प्राथमिक चौकशी केली, गुन्हा दाखल केला। गुन्हा दाखल केल्यानंतर आम्हाला लक्षात आलं की ते कुरियर एका ठिकाणून पाठवण्यात आलेलं होतं। तिथं आपण चौकशी केली, तिथले CCTV वगैरे आपल्याला नाही सापडले, बंद होते तिथले। म्हणून आपण संपूर्ण अजनी आणि बेलतरोळी हद्दीतले संपूर्ण CCTV फुटेज चेक केले। 150 ते 200 लोकांना चौकशी केली। त्याच्यात आपल्या असं लक्षात आलं की एका स्त्रीनं ते पाठवलेलं आहे कुरियर। त्याच्यावरून आपण एका CCTV फुटेजमध्ये आपल्याला ॲक्टिवा गाडी दिसली, त्याचा आपण त्या गाडीचा CCTV मार्फत आपण शोध घेतला असता त्या गाडीचा एक नंबर मिळून आला, त्यात त्या स्त्रीचा आपल्याला पत्ता मिळाला। त्याच्यावरून आपण तिच्यावर पाळत ठेवून तिची पहिले माहिती काढली आणि नंतर तिला अटक करण्यात आलेली आहे। तिचा 19 तारखेपर्यंत PCR घेण्यात आली। 11 जून की शाम डॉक्टर दंपत्ती को एक कुरियर मिला, इसमें धमकी भरा खत था जिसमें परिवार की पूरी जानकारी होने की बात लिखी थी। 2 बच्चों की जान के एवज में 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। तुषार ने मामले की शिकायत बेलतरोड़ी पुलिस से की। पत्र पढ़कर यह तो समझ आ गया था कि कोई पेशेवर गैंग नहीं है, लेकिन शहर में हुई अन्य घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लिया। पुलिस ने पहले कुरियर कंपनी में छानबीन की, वहाँ के CCTV बंद पड़े थे। अलग अलग स्थानों के फुटेज चेक करने के बाद भी पुलिस को केवल मोपेड पर 9593 नंबर दिखाई दिया। इस नंबर से गाड़ी के मालिक को ढूंढना कठिन था। बावजूद इसके कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी महिला का पता लगा लिया। नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बुटीबोरी टी पॉइंट पर निर्मित फ्लाईओवर का शुभारंभ गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। इस पुल की लंबाई करीब 2 किलोमीटर है, जबकि इसे निर्माण करने के लिए कुल लागत 69.27 करोड़ लगाई गई है। नागपुर जिले के विकास में और एक विकास का कार्य गुरुवार को जुड़ गया, जहां जिले के बुटीबोरी फ्लाईओवर का लोकार्पण और उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों संपन्न हुआ। गौरतलब है कि पूरे देश में गडकरी को पुलकरी के नाम से पहचाना जाता है, जिसके तर्ज पर सड़क परिवहन विभाग के जरिए गडकरी ने पूरे देश में विकास की लहर दौड़ा दी है। बुटीबोरी टी पॉइंट के पास निर्माण हुए इस पुल की कुल लंबाई करीब 2 किलोमीटर की है, जबकि इस पुल के निर्माण में 69.27 करोड़ की निधि लगी है, जिसका उद्घाटन करने पर नितिन गडकरी ने भी अपने विचार रखे। विशेषतः आता समीर मेघन ने अपना भाषण सांगितलं की या ठिकाणी या उड्डाण पुलाचं काम अडकलेलं होतं, कारण हायकोर्टामध्ये केस होती आणि अनेक दिवस काम होऊ शकत नव्हतं आणि इथे ॲक्सिडेंट होत होते। जवळपास 100 लोकांचा मृत्यू या ठिकाणी ॲक्सिडेंटमध्ये झालेला होता, हा ब्लॅक स्पॉट देखील होता। त्यावेळी मी समीर मेघांना अशी विनंती केली
की तुम्ही हायकोर्टामध्ये इंटरव्हेन करा आणि त्यावेळी आपले जे आता हायकोर्टात न्यायमूर्ती आहेत देवसाहेब ते सरकारी वकील होते आणि त्यांना मी फोन केला आणि सांगितलं की तुम्ही याच्यात PIL ला इंटरव्हेन करून याचा स्टे वेकंट करून द्या. मला अनेक वेळा या गोष्टीचं काही वेळा दुःख होतं की ज्या ठिकाणी एवढे ॲक्सिडेंट होतात त्या ठिकाणी वर्षोनगंती सन्मान्य न्यायालयांकडनं अनेक वेळा स्टे असतो. त्यावेळी न्यायमूर्तींच्या लक्षात खरं म्हणजे या ठिकाणी ही जर गोष्ट आणून दिली गेली तर नक्कीच तो स्टे उठेल, परंतु या स्टेमुळे अनेक प्रकारची ते कामही खोळंबतं, जनतेलाही त्रास होतो आणि यावेळी निरपराध लोकांचा मृत्यू देखील होतो. वही इस कार्यक्रम में रामटेक लोकसभा क्षेत्र के सांसद कृपाल तुमाने की भी उपस्थिति रही. इस दौरान कृपाल तुमाने ने भी अपने विचार रखे. वही नागपुर हैदराबाद मार्ग क्रमांक 7 पर नांदगांव जंक्शन के पास फ्लाईओवर का उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हस्ते किया गया. हिंगन घाट के इस फ्लाईओवर का निर्माण 85 करोड़ की निधि से किया गया, जिसका कार्य वर्ष 2018 से शुरू था, जिस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यातायात संभव हो पाएगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा गुरुवार को किया गया. इस दौरान शहर और महामार्ग के विकास के साथ गडकरी ने वृक्षारोपण पर जोर देते हुए हर एक व्यक्ति ने 5 पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने पर जोर दिया. नागपुर में गुरुवार को शहर पुलिस विभाग द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया था. इस दौरान जनता पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने जनता की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किए जाने का आश्वासन दिया. नागपुर शहर की जनता और पुलिस विभाग के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नागपुर शहर पुलिस विभाग द्वारा पुलिस मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में जनता ने शिरकत करते हुए अपनी अपनी समस्याएं पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के सामने रखी. बहुत सारे लेआउट डाले जिसमें हमने भी खरीदा है, कम से कम 5,000 कस्टमर है, किसी को भी रजिस्ट्री लगा के दिन दे रहे हैं. कब किया का साफ है? हम लोगों ने 2006 से लेकर के मतलब सभी ने उन्होंने 2006 से चालू किया था लेआउट घोषणा और 2010-11 में कितना पैसा दिया आपने? मेरा तो है 3-4 लाख रुपए है. नहीं सर, इसमें ऑफिस रजिस्टर्ड है, ये काम कर रहे और दूसरे आरोपियों की कोर्ट में जमा नहीं चल रहा था, उसका कन्फर्मेशन बताऊँ. नहीं तो ये बोले कोर्ट कहीं जाने के लिए परमिशन चाहिए क्या? नहीं नहीं सर, नहीं सर, ये परमिशन चाहिए कि जो सुनील हेरपुड़े है पूना मुंबई में उसके नाले के लिए. ये सर एक और बोला सर, इनके पास जो अभी ये चालू है PSI बने. नागपुर शहर पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस जनता दरबार में ज्यादातर शिकायत करने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा कोई सकारात्मक जवाब न दिए जाने की शिकायत ज्यादातर देखी गई. इस दौरान पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने अपने अधिकारियों को जल्द से जल्द शिकायत पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए. अशा काही समोर आला नाही की पोलिसांनी जाणून बुजून हेतु परस्पर काही कारवाई केली नाही, काही कामाचे ताणतणावात राहून गेले असतील. सर्व अधिकारी आज होते, त्यांना सर्वांना एक स्वतः आत्मपरीक्षण करण्याचे गरज सांगण्यात आलेली आहे. त्यांनी सर्वांनी बघितलेली आहे आणि लवकर नक्कीच या प्रकरणात तर कारवाई होईलच. इतर जे काही प्रलंबित प्रकरणे त्यांच्याकडे आहेत त्याच्यावर पण परिणामकारक कारवाई लवकरात लवकर होईल. गौरतलब है कि जनता और पुलिस विभाग के बीच आयोजित किए गए जनता दरबार से दोनों के बीच समन्वय की स्थिति बनेगी, जो शहर में अपराध कम करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी. इसी उद्देश्य से जनता दरबार को आयोजित किया गया था. वक्त हो गया एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है. गलत, बस बैलेंस जरूरी है. जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं. नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजालाल चिली पाउडर. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. नागपुर अंबाजरी थाना अंतर्गत रामनगर परिसर स्थित एक नामी वकील के कार्यालय से अज्ञात आरोपी ने कारतूस से भरी पिस्तौल और नकद चोरी कर ली. पुलिस ने आनंद मनोहर परचुरे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. परचुरे वरिष्ठ वकील है, रामनगर में उनका 3 मंजिला मकान बताया जा रहा है. नागपुर के रामनगर में रहने वाले प्रतिष्ठित आनंद परचुरे वकील के घर चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें चोरों ने वकील साहब की कारतूस से भरी पिस्तौल और नगद राशि चुराने की शिकायत अंबाजरी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है.
मंगलवार देर रात अज्ञात आरोपी ने पिछले दरवाजे की चिटकनी खोली, एसी के लिए खुली छोड़ी गई खिड़की के जरिए भीतर प्रवेश किया। कार्यालय के ड्रॉवर में परचूरे की 32 mm की लाइसेंस रिवॉल्वर, 6 जिंदा कारतूस और 15,000 रुपये नकद रखे थे। आरोपी पिस्तौल और नकद चोरी करके भाग निकला। बुधवार की सुबह परचूरे को चोरी का पता चला और घटना की जानकारी मिली। कल सकाळच्या वेळेला आम्हाला पोलीस स्टेशनला फोन आला की रामनगर येथे राहणारे प्रतिष्ठित ॲडव्होकेट यांच्या घरी चोरी झालेली आहे। मागचं दार उघडून ते बाहेरूनच लावून ठेवायचे आणि त्याच्यानंतर एक खिडकी होती, खिडकीला या अगोदर विंडो एसी लागलेला होता, तो एक वर्षापूर्वी एसी काढलेला आहे। सध्या त्या ॲडव्होकेट महोदयांकडे व घराचं काम सुरू आहे, त्याच्यामुळे लेबरवर बरेच येणं जाणं करतात। ते रूम जी होती ज्याला बाहेरून कडीकोंडा लागून होता, त्याच्यात ते मजूर लोक ड्रेस वगैरे चेंज करायचे, त्याच्यामुळे बऱ्याच लोकांना ते माहीत आहे। तिथून त्यांनी आतमध्ये प्रवेश करून साहेब ज्या ऑफिसमध्ये त्यांचं घर आहे तिथे वरच्या 2 मजल्यावर ते राहतात आणि खाली त्यांचं ऑफिस आहे। ऑफिसमधल्या टेबलवर जाऊन ड्रॉवर जिथे माहीत आहे की तिथे बंदूक रिव्हॉल्वर आणि त्यात 6 गोळ्या भरलेली रिव्हॉल्वर घेऊन गेले आणि 15,000 रुपयाची कॅश पण घेऊन गेले। पोलीस तपास सुरू आहे, डॉग स्क्वॉडला आणण्यात आलं होतं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट पण आले। डॉग स्क्वॉडने थोडा मागच्या रोडपर्यंत इशारा दिला पण काल पाणी आणि बाकीचं असल्यामुळे पुढे होऊ शकलो नाही। त्या परिसरातले सीसीटीव्ही फुटेज चेक करणं सुरू आहे, काही संशयित इसम पण आम्ही आणून विचारपूस केलेली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। नागपुर में तालिबानी आतंकियों से जुड़े एक अफगानी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह 10 वर्षों से नागपुर में रह रहा था। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार को जानकारी मिली थी कि एक अफगानी नागरिक दिगोरी परिसर में रह रहा है। नागपुर के दिगोरी परिसर से तालिबानी नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जानकारी पुलिस विभाग के हाथ लगी थी। बताया जा रहा है कि नूर मोहम्मद तालिबान के आतंकी संगठनों को सोशल मीडिया पर फॉलो करता है, जबकि उसके घर छापेमार कार्रवाई करने पर किसी तरह के हथियार नहीं मिले, लेकिन उसके शरीर पर गोली लगने के निशान मिले हैं। ये तालिबानी दिगोरी परिसर में रह रहा था, जबकि वो ब्लैंकेट बेचने का कार्य करने की जानकारी सामने आई है। वो एक नूर मोहम्मद नावाचे इसम आहे, जे 2010 मध्ये भारताला टूरिस्ट व्हिजा वर आला होता। त्याचे नंतर त्यांनी रेफ्युजी स्टेटससाठी काही अर्ज युनायटेड नेशन्स आणि इतर ऑर्गनायझेशन्सला केला होता, परंतु त्यांचे रेफ्युजी स्टेटसचे अर्ज खारिज करण्यात आला होता। ते त्यानंतर अनधिकृतरित्याने नागपूर शहरात राहत होता। ही गोष्टी काही गोपनीय माहिती मिळाच्या आधारेवर ही त्यांना ताब्यात घेण्यात आली होती आणि आता त्यांच्या बॉडीवर एंट्री आणि एक्झिट वुंड आहे आणि प्रथम तपासामध्ये चौकशीमध्ये त्याचे काही तालिबानी मूवमेंटशी जे संपर्कात होता अशा दिसून आलेली आहे। भारतामध्ये ते अनधिकृतरित्या 10 वर्षापासून राहत आहे, परंतु इथे काही आपत्तिजनक कृत्य आतापर्यंत त्यांच्या समोर आलेले नाही। सोशल मीडियावरून ते काही प्रो तालिबानी वक्तव्य केल्याचे दिसून आलेली आहे, परंतु सध्या असा निर्णय झालेला आहे की त्यांना डिपोर्टेशनची कारवाई करण्यात येईल आणि त्यांना परत अफगाणिस्तान येथे पाठवण्यासाठी जे काही अफगाण एम्बसी आणि इतर केंद्र शासनाचे मंत्रालय आहे त्यांची संपर्क करून ते लवकरात लवकर कसे परत अफगाणिस्तानला डिपोर्ट करण्यात येईल त्यासाठी कारवाई सुरू करण्यात आली। नागपूर महानगरपालिका के प्रभाग 5 अ से निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी की पार्षद दुर्गा चंद्रभूषण हत्तीठेले की सदस्यता नगर विकास विभाग ने रद्द कर दी है। हत्तीठेले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव जीतकर महानगरपालिका पहुंची थी, लेकिन तय समयावधि में अपना जाति प्रमाण पत्र पेश नहीं करने की वजह से उन पर विभाग द्वारा ये कार्रवाई की गई है। राज्य के नगर विकास विभाग की ओर से बुधवार को जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पार्षद हत्तीठेले की तरफ से तय समय सीमा में अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं देने की वजह से यह फैसला लिया गया है। नियमानुसार आरक्षित सीट से निर्वाचित होने पर उम्मीदवार को 6 महीने की अवधि में जाति पड़ताल समिति से जाति वैधता प्रमाण पत्र देना होता है। नामांकन के समय इस संदर्भ में हलफनामा भी देना होता है। 23 फरवरी 2017 को निर्वाचित पार्षद दुर्गा हत्तीठेले को इसके तहत 23 अगस्त 2017 तक प्रमाण पत्र देना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बीच 4 सितंबर 2017 को कुछ नगर सेवकों ने सरकार से हत्तीठेले को निलंबित करने की मांग की थी। इस बीच राज्य सरकार ने प्रमाण पत्र पेश करने की समय विधि को 6 महीने बढ़ा दी, लेकिन वे फिर भी प्रमाण पत्र नहीं दे सकी।
1 अक्टूबर 2018 को मनपा प्रशासन ने नगर विकास विभाग को इसकी जानकारी दी। ऐसे में हत्ती ठेले की सदस्यता राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन थी। अब नगर विकास विभाग ने उनकी सदस्यता रद्द करने का फरमान जारी कर दिया। मुंबई के अंधेरी इलाके में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने छापेमारी की है। कार्रवाई गुरुवार सुबह की बताई जा रही है, जहां मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखी विस्फोटक से भरी कार के मामले में प्रदीप शर्मा पर भी NIA को पिछले कई दिनों से शक था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। गुरुवार को मुंबई के अंधेरी में रहने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के अंधेरी स्थित घर पर आज NIA की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। सुबह 6 बजे शुरू हुई छापेमारी के बाद प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया गया। यही नहीं, सुरक्षा बलों के साथ बड़ी संख्या में NIA की टीम प्रदीप शर्मा के घर पहुंची हुई थी। CRPF की 8 से 10 कंपनियां यहां तैनात की गई थी। मनसुख हिरेन और पेडर रोड पर कार में मिले जिलेटिन मामले में और मनसुख हिरेन मामले में प्रदीप शर्मा NIA के रडार पर थे। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। नागपुर जिले में गुरुवार 17 जून को 74 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 232 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। आज कुल 8201 लोगों की कोरोना जाँच करवाई गई है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।